नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। इलॉन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को किया हासिल। डोजकॉइन में आया जबरदस्त उछाल। नियर प्रोटोकॉल ने लॉन्च किया स्टेबल कॉइन। मस्क द्वारा ट्विटर के टेक ओवर के बाद क्रिप्टो करेंसीज ने किया रिबाउंड। बिटकॉइन में देखी गई बढ़त। ओपनसी ने NFT एग्रीगेटर जेम को किया अक्वायर। मूनबर्ड्स के COO ने प्रोजेक्ट से खींचा अपना हाथ। $1 मिलियन के NFTs को किया हासिल। BAYC इंस्टाग्राम हुआ हैक। $3 मिलियन की NFTs हुई चोरी। US क्रिप्टो माइनर ने प्रतिबंधों से बचने के लिए रशिया में बेचा माइनिंग गियर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड हुआ सैंडबॉक्स मेटावर्स मेगा सिटी 2 में शामिल। ट्विटर के बोर्ड ने आखिरकार SpaceX CEO इलॉन मस्क द्वारा सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के लिए दिए गए $44 बिलियन के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एग्रीमेंट के तहत ट्विटर के स्टेक होल्डर्स को पर शेयर $54.20 मिलेगा। वहीं ट्विटर से सामने आए एक प्रेस रिलीज के अनुसार ये 1 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस से 38% ज्यादा है। दूसरी तरफ मस्क ने आज एक प्रेस रिलीज में कहा है कि फ्री स्पीच एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है, मैं इसे अनलॉक करने के लिए कंपनी और यूजर्स के कम्युनिटी के साथ काम करने की आशा करता हूँ। मस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हासिल करने को लेकर क्रिप्टो कम्युनिटी में भी भारी उत्साह है। ऐसे में माइक्रो स्ट्रेटजी CEO माइकल सेलर से लेकर डोजकॉइन फाउंडर बिली मार्कस ने खुलकर मस्क को ट्विटर पर बधाई दी है। इन सबके बीच ट्विटर के पास पहले से ही बिटकॉइन और इथेरियम पेमेंट्स का समर्थन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में मस्क के आने के साथ ही माना जा रहा है कि डोजकॉइन को भी फंक्शनैलिटी का मौका मिलेगा। इस बड़ी डेवलपमेंट के बीच डोजकॉइन ने 26% की जबरदस्त बढ़त देखी है। हाल के समय में ये $0.155 के करीब ट्रेड कर रहा है। नियर प्रोटोकॉल एक स्केलेबल लेयर 1 ब्लॉकचेन है ने USN नाम के अपने स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया है। USN टेरा USD और फ्रैक्स फाइनेंस की तरह ही एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जो $ के साथ सॉफ्ट पेग्ड है लेकिन डॉलर कैश रिजर्व होल्ड नहीं करता है। ऐसे में USN स्टेबल कॉइन को नियर टोकन्स डिपॉजिट करके मिंट किया जा सकता है। वहीं डिसेंट्रल बैंक DAO के रूप में ऑर्गेनाइज्ड एक इंडिपेंडेंट टीम USN स्टेबल कॉइन एफर्ट को लीड कर रही है। DeFi प्रोटोकॉल में लिक्विडिटी जोड़ने के लिए USN एक प्रभावी तरीके के रूप में काम कर सकता है। वहीं नियर हाउसेस प्रोटोकॉल जैसे रेफ फाइनेंस, बरो, ओरिगामी और बैस्टियन ने USN स्टेबल कॉइन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हामी भरी है। इस डेवलपमेंट से इन्वेस्टर्स पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है बल्कि हाल के समय में नियर का नेटिव टोकन नियर 3% की बढ़त के साथ $15 पर ट्रेड कर रहा है। इलॉन मस्क द्वारा ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त देखने को मिली है। ट्विटर बोर्ड द्वारा मस्क के ऑफर को स्वीकार करने के बाद बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट में बढ़त देखने को मिली है। मस्क की टेस्ला ने फरवरी में SEC के साथ फाइलिंग में कहा था कि पिछले साल के अंत में बिटकॉइन में उनकी होल्डिंग करीब $2 अरब की थी। ऐसे में कंपनी ने 2021 में बिटकॉइन में कुल $1.5 अरब की खरीदारी की थी। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 4% बढ़त के साथ $40,500 के करीब ट्रेड किया जबकि एथर को उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ $3,000 के करीब देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी उछाल के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। मस्क के पसंदीदा डोज कॉइन के ट्रेड में 20% बढ़त देखने को मिली जबकि शिबा इनू 4% से अधिक बढ़ा है। ओपनसी जो कि सबसे बड़ा नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस है ने NFT एग्रीगेटर सर्विस जेम को अक्वायर कर लिया है। जेम यूजर्स को सिंगल इंटरफेस पर मल्टीपल मार्केटप्लेस में NFT के बारे में एक्सप्लोर और ट्रेड करने की अनुमति देता है जिससे मार्केट को एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। इतना ही नहीं एग्रीगेटर बायर्स को कलेक्शन के लोअर एंड को देखने में भी मदद करता है। हालांकि एक्विजिशन के बाद जेम एक स्टैंड अलोन ब्रांड के रूप में काम करना जारी रखेगा।
पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन मूनबर्ड्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रायन कार्सन ने ट्विटर पर घोषणा की है कि उन्होंने अपने एनएफटी वेंचर फंड को शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। ऐसे में कार्सन ने अपने बाहर निकलने से पहले हजारों डॉलर मूल्य के मूनबर्ड्स खरीदे हैं। उनके बाहर निकलने से बड़े एनएफटी कम्युनिटी से नेगेटिव रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, जिसमें कई लोग अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। कार्सन की एवियन कलेक्टेबल स्टैश की कीमत हाल के समय में 1.2 मिलियन डॉलर्स है, जिनमें से ज्यादातर को मूनबर्ड्स के वैल्यू के इनिशियल मिंट के बाद के दिनों में बढ़ने से पहले खरीदा गया था। इन सबके बीच प्रोजेक्ट के फाउंडर केविन रोज ने ट्विटर स्पेस में मूनबर्ड्स कम्युनिटी को लिखा है कि कार्सन का एक्शन प्रोजेक्ट की इंटरनल पॉलिसी के अगेंस्ट है। बोर्ड एप यॉट क्लब के इंस्टाग्राम अकाउंट और डिस्कॉर्ड सर्वर को सोमवार को हैक कर लिया गया था, जिसमें एक अनऑफिशियल मिंट लिंक फॉलोअर्स को भेजा जा रहा था। ऐसे में लिंक पर क्लिक करने वालों के वॉलेट को अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। हैकर्स द्वारा बोर्ड एप और म्यूटेड एप की एक सीरीज को नए वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 44 लोग इस स्कैम में फंस गए हैं, जिसके रिजल्ट के तहत 133 एनएफटीज की चोरी को अंजाम दिया गया है। मोटे तौर पर 4 बोर्ड एप, 6 म्यूटेंट एप्स और 3 BAKC की चोरी की गई है। साथ ही साथ दूसरे एनएफटी का एस्टिमेटेड मूल्य लगभग 3 मिलियन डॉलर्स है। ऐसा लग रहा है कि चोर पहले से ही चोरी किए गए नॉन फंजिबल टोकन्स को एनएफटी आफ्टर मार्केट में बेच रहा है। चोरी हुए 23 एनएफटीज को अब तक कुल 2.4 मिलियन डॉलर्स में बेचा जा चुका है। युगा लैब्स और इंस्टाग्राम अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि अकाउंट से किस तरह से छेड़छाड़ की गई थी। US बेस्ड लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कंपनी कंपस माइनिंग इनकॉर्पोरेशन US द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए साइबेरिया में स्थित बिटकॉइन माइनिंग इक्विपमेंट को लगभग 30 मिलियन डॉलर्स में बेचने की कोशिश कर रही है। कंपस से छुटकारा पाने के इच्छुक रशियन सर्वर्स इसकी करंट कैपेसिटी के लगभग 15% को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विट गिब्स को उम्मीद है कि साइबेरिया से इक्विपमेंट को बेचने के बाद कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी साल के आखिर तक लगभग 70 मेगावाट से बढ़कर 355 मेगावाट हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग रिंग को लिक्विडेट करने का कदम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा माइनिंग ऑपरेशन बिटरिवर और 10 सब्सिडरीज कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। एनिमोका ब्रांड सब्सिडरी और ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग कंपनी द सैंडबॉक्स ने मेटावर्स मेगा सिटी के सेकेंड फेज के लिए बैंकिंग दिग्गज स्टैंडर्ड चार्टर और दूसरे खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया है। ओशन पार्क, रीगल होटल्स ग्रुप, EVI, ब्रिंक, UFO स्कूल्स और दूसरे मेगा सिटी के सेकेंड फेज में एक्सपेंशन में नए प्रवेशकों का हिस्सा है। द सैंडबॉक्स 28 अप्रैल को एक नई लैंड सेल शुरू करने की भी योजना बना रहा है, ताकि खिलाड़ी लैंड खरीद सके और मेगा सिटी नेबरहुड का हिस्सा बन सके। इससे जुड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट 3 महीने बाद आई है, जब मेटावर्स प्लेटफॉर्म ने पहली बार मेगा सिटी के फेज 1 के निर्माण की घोषणा की है। पिछले हफ्ते रिपोर्टर्स ने सुझाव दिया था कि सैंडबॉक्स नए और मौजूदा दोनों इन्वेस्टर्स से $4 बिलियन के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन सिक्योर करना चाहता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।